श्री पड़ो सर وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله حمد و درود تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل شانہ ہم سب نو इस्लाम नाल वाबस्ता रखे अल्लाह साडे इस्लाम ते मौत अता फरमावे। जैसा कि काफ़ी दोस्तों नूं खबर है, चंद साथी होणगे जिहड़े नए ने जिन्हां नूं नहीं पता, अज दा ये दिन है तो ना चीज वास्ते मुश्किल और औखा दिन है। साढ़े वालिदैन फौत होने तो सानू इन्ना दुख और अफसोस नहीं होना, मेरा अपना अकीदा और ईमान है कि जिस फकीर ने इस जान दे उत्ते ऐसे कम किते ने जेडे कम इंज दे ने के साढ़े अगू आउण वालियां नस्लां तक भी चलदा रहना है। कम सब तो पहला आपने जेडे आप दे मेरे मुर्शिद करीम दे खादमीन सन ना बयान फरमाते ने, कल रात भी मैं उन्होंने को बैठे रहा, कल्या कल्या को सारे को गुफ्तगु सुनी, वो यही बयान करते सन कि सानू खबर ही नहीं हुई। आप इरशाद फरमाते रहे ने बार बार, जदों बहना आपने कहना कि सैयद इमाम अली शाह साहब बुद्ध वाले दिन दुनिया तो गए सन, मेरे मुरशद करीम के जेडे मुरशद सन ना सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्ला अलैह, ते आपने फरमाया भाई मैं इस दुनिया ते सब तो पहला अल्लाह दा नां जिहड़ा जमीन तो पहले दिन चुकिया सी वह बुद्ध दा दिन सी, जिस दिन रब दा नां जमीन तो उठाण दा मैनू मेरे मुर्शिद करीम ने आख्या सी, मैं इस पासे लगा बुद्ध वाला दिन सी। ते आप इशारा करते सन तो खादम समझे ही नहीं गल बई, आपने फिर फरमाना फलाना वली बुद्ध वाले दिन गया, फलाना वली बुद्ध वाले दिन, फलाना ही अल्लाह का फकीर सी वह बुद्ध वाले दिन गया है। आप तो दसना चाहते सन भी साडा भी बुद्ध ही आना जे टाइम, वो जेडे बच्चे सन जा खादम सन उन्हें समझी नहीं ये गल। आप दे
आखिरी वक्त जो जानता सी ना आपने सारे अपने जेडे खादम सन उन्हें बुलाया सलाम लिया ने। तीन दिन पहला आप अपने छोटे भाई छोटे हजरत साहब किबला का मदरसा है ना अलीपुर शरीफ जिते आपदा बाई गाँव उत्थे पहुँच के ते इतना लंबा सफर गड्डी च आप करके गए ने कार च बैठे रहे ने जाके सारे बाहर आए ने भाई भी आप दे छोटे हजरत साहब किबला तशरीफ लैके आए ने दुआ करो गड्डी च दुआ करके फरमांदे ने वापस टुर उन्हें क्या दूर इन्नी दूरों आप तशरीफ लैके आए हो मुल्तान तो भी अगे 150 किलोमीटर पौने 200 अलीपुर बनता है या इसके करीब करीब तो इन्ना सफर आपने फरमाया थोड़ी देर आराम फरमा लो। आपने फरमाया बस मैं अपने भाई नूं वेखण आया सा कि हो सकता है दोबारा जिंदगी ना हो वे। तो फिर भी उन्हें नहीं समझिया किसे भी आप की इशारा फरमा रहे ने गड्डी विचों ही आपने खादम आप दर्ज कर दिया कि मैं बाहर निकलन लगा मैनू आपने इशारा किया भी बाहर नहीं जाना बिच बैठो वापस मोड़ो गड्डी उवें आप गड्डी दे विच बैठे ही दुआ करके सारे नू मिल के वापस आ गए। दरवेशां नू खादमां नू आपने फरमाया भी मैनू सवा दिओ सारे नू प्यार दिता ने उन्हां दा मत्था चुमिया ने मैं अपने जिहड़े खिदमत करदे रहे ने मत्था चुम के आपने फरमाया चलो मैनू लटा दिओ लटा दिता। 10 बजे का वक्त साहबजादगान करीब बार सारे आप दे हुजरे शरीफ विच मौजूद ने हर वक्त कोई ना कोई 10-5 बंदे बैठे रहिंदे ने बार भी इंतजार विच। इतनी तबीयत आप दी जिहड़ा साथियों ने जिहड़े गए ने साडे नाल वेख्या होणा जिहड़े जांदे रहे ने कि आपका एक बाजू भी तौर लत्त भी दोवें काम निसण कर दियां अज तक आपने हाए नहीं कीती इन्नी तकलीफ के बावजूद वजू करके नमाज पढ़ी। जदों आखिरी वक्त ते पहुंचे ने तयम्मम कीता है और सारा बाजू पिछे करा के तयम्मम आप करके हालांकि आप नूं पेशाब वाली नाली लगी सी ते फिर भी शरीयत का मसला सी कि उजर दे वक्त माफ हुंदा है उसके बावजूद जदों भी आपने नमाज पढ़ी आपने इन्ना ने हिस्से का गुसल करके फिर पढ़ी। इतन आप आराम फरमाया जां भी मैनूं लुटा दिओ सुबह पुछया हुज़ूर अगर तबीयत आपकी नसा दे ते डाक्टर नूं बुला लो या फरमांदे ने मैं बिल्कुल ठीक हाँ। खादम कहिंदा भी हाले तो फिर सारे रो रहे सन कोई किवें कोई तबीयत जदों बिलियो जिथे प्यार मुहब्बत होवे इस जान दे उत्ते ए जड़ा मौलवी तुहाडे सामने रौनक लाई बैठा है ना ए जड़ा निजाम चलिया ये मेरे मुर्शद करीम की बरकत नाल लगी है। साडा अज असी यतीम होए अल्लाह दे वली ने साडे वालदैन भी ओ सन साडे दीन दा सहारा भी ओ सन इन्नी को भी तकलीफ हुई है तो उन्होंने बारगाह च भज के जाके गल सुनाई। सुबह आपने नाश्ता फरमाया दुध भी पीता ने आंडा पसंद करते सन खादा ने अपने हाथ नाल खादमा नूं कहिंदा लम्मे पवा दो बस आप लेटे ने खादमा नूं प्यार दे के अल्लाह दे सपुर्द तो खादम कहते हैं अगे आपने कदी इंज प्यार नहीं दिता मत्था नहीं चुमया अज आप प्यार दे रहे ने मत्था ही चुम रहे ने ते वो लेट गए ने आप लेटते ही आप तशरीफ लै गए वो खादम ने बुलाया जगाया हजूर एक घंटे बाद हजूर उठो आप दे वक्त हो गया कोई चीज़ खा लो उन्हें चलो। खादम जिहड़ा बैठा से वो कहिंदा कि मैनूं इंज लगे कमरे च जिवें रश है कि मैं इंज बैठा बैठा हूँ रात सारी खादम जागदे रहिंदे 3 खादम एक दी ड्यूटी किन्ने बजे
बार सूरत आपने कोई तकलीफ किसी नूं अज तक सारी जिंदगी दुनिया के पीर उधारा वेखे ने, मेरे पीर ने अज तक किसी बंदे को उधारा पैसा भी नहीं मंगया। पूरी जिंदगी अलहम्दुलिल्लाह रूए जमीन का कोई बंदा आखे कि ए तकलीफ नौ जिनी भी सानू थोड़े पीर वालों तकलीफ पहुंची सी भी इन्ना साडा इन्ना को नुकसान किया, अपना नुकसान बर्दाश्त किया, किसे कर दिता तो फरमाया माफ करो। आपदा एहसानात नेकियां ते गिणन लग पवीए ते गिणियां नहीं जांदियां। लोकां दे पीर जिहड़े ने दुनिया तो जाण ते ओह वहांदे ने कि मेरे पीर ने वेखो एडियां जमीना खरीद के सानू दे दित्तियां, उन्हां दी इन्नी जमीन है, इन्ने मरबे ने, इन्नियां पैलियां ने, असीं फखर नाल आखांगे साडे पीर दी पैली ते कोई नहीं, जमीन ते कोई नहीं, पर कुरान महल शरीफ पूरे दुनिया ते बना छड़े। कमो बेश हजार दे करीब पहुंच चले ने कुरान महल शरीफ, हजार दे करीब पहुंच चले ने, जगह जगह ते अल्लाह दा नाम चुकन वाले। हुण असा हुण जिहड़े साडे निक्के निक्के बच्चे ने, असा फौत भी हो गए ते साडे निक्कियां बच्चियां ने आखना साडे प्यो अल्लाह दा नाम चुकदे सन, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਰਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬੁਰਖੇ ਔਰ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਵਿਚਲਾ ਆਇਆ ਲੈ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਖੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 80-90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ कितनियां बीबियां ने जिन्हां नूं टोपी वाला बुरखा नसीब होया। मैं ना को लखां दी तादाद च होणियां ने कि जिन्हां नूं इह दौलत अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई है, और ओह हुण टोपी वाला बुरखा को मेरे मुर्शिद दा नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੁਜੱਦਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਟੋਰੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰੇ। ਸਾਡੇ ਕਰੀਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਲੈ ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀਨ ਜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ मुबारक दी आप गड्डी दी मुबारक कहती होंगी रमायत एक कुरान मजीद हिफज करता इन्हें मुबारक दो इहदा पुत्र, एक नेकी का काम करता इन्हें मुबारक दो, दुनिया की शय लई इहदे ते कहदी मुबारक। यानी कि दुनिया नूं आप मासा तरजीह नहीं सन देंदे, दुनिया की दौलत नूं जिहड़े कल आपका जनाजा शरीफ होया। साथी कई अपने इत्थों पहुंचे भी सन, कई फिर नहीं पहुंचे अपने दोस्त सन, मैं फिर उन्होंने वास्ते चलो आप दी बारगाह तोहफा इस साले सवाब वास्ते कुल शरीफ पढ़ाया, थोड़ा बरकत हो जाए तो आप दी बारगाह खिदमत असा की होर भेज सकने हैं, और असा ही उन्होंने कोल जाना है आपने, तो जो अल्लाह ताला ने उन्होंने जिम्मे कम लाया सी आप अपना फर्ज पूरा करके तशरीफ लै गए। हुण साडा फर्ज बनता है कि जो उन्होंने सानू दस्या है असा उन्दे ते पक्के रह दईए, जो असा उन्दे ते पूरे रहांगे। कोई भी मुरीद आखे कि यार मैनू हजरत साहब नाल बड़ा प्यार है, हजरत साहब नाल प्यार तां ही होना है उन्होंने दसे हुए तरीके ते चले, जो आपने तरीका मुबारक अदब गैरत कुफर दी मुखालफत, ये तीन उसूल हमेशा साढ़े मुर्शद करीम ने अता फरमाए ने कि अदब करना है, अपनी धी भैन की गैरत रखनी है, ते काफरां दे खिलाफ दिल च नफरत रखनी।
काफर दा जेड़ा भी मनसूबा होवे उनके खिलाफ दिल च नफरत रखनी है। साढ़े मुर्शद करीम का उसूल सी, आप दा मंशूर रहा है। और अलहमदुल्ला पूरे रूवे जमीन दे जिथे जिथे मेरे हजरत साहब दे खादमीन या मुरीदीन है ने सारे इस उसूल ते पाबंद ने अल्लाह रसूल दे फजल व करम नाल कि उन्हां दा उसूल यही पक्का है। अदब गैरत, आपने फरमाया मेरा मुरीद बेअमल हो सकता है लेकिन बद अकीदा नहीं होगा। बद अकीदा उहदे ज़हन च ख्याल हर वक्त यही रहने के यार हज़रत साहब किबला ने जो आपने बयान फरमाया है, दीन दस्या है, सानू इस चीज ते फख्र हो रहा है कि अलहमदुल्ला इस गै गुजरे दौर दे अंदर मैं खत्म शरीफ का प्रोग्राम इत्थे इस साले सवाब का तोहफा भेजण ते तां कीता है। मैं पिंड भी कर सकता सां, मेरे रिश्तेदार तुसी हो, तुसा मेरे चाचे हो, तुसा ही मेरे बाबे हो। मेरा ना कोई बाबा ते ना कोई चाचा है, जेड़ा बेनमाजी है दीन तो दूर है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। साडा भावें जिन्ना मर्जी करीबी सज्जण होवे सानू उहदे नाल प्यार नहीं हुंदा। हजूर दे दीन नाल जिहड़ा प्यार करदा है साडा उही प्यार है। जुमा शरीफ नमाज पढ़न वाले दीन वाले लोग जिहड़े ज़ाहर तुसा मेरे कोल जुमा पढ़न आउंदे हो, तुसा ही मेरे अपने हो। तां मैं इंतजाम किया, मेरा अपना ही इरादा सी, ना को मैनू मेरे मुर्शदा दे साहबजादे आख्या, ना उस्तादा ने, किसी भी नहीं। मैं आप ही आख्या भी मेरा प्यो अगर फौत हुंदा तो मैं इंज काम करना सी। क्यों बे तुहाडा रिश्तेदार साडा फौत होए तो आप आखण यार तोहफा भेजो, दरूशरी पढ़िए, जिक्र करिए, बिस्मिल्ला, ते फिर मेरे अलहमदुल्ला बाप जिड्डी भी शान आला हो मैं अपने मुर्शिद के कदमों तो कुर्बान कर दे। साडे मां बाप की कोई शान नहीं, साडी निगाह सब तो उच्ची शान मेरे मुर्शिद करीम की है। अलहमदुल्ला आप दे जोड़ियां दे सदके नाल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये आस्थान ये मेरे हज़रत साहब दा असी फौत भी हो जाइए, मर भी जाइए, दुनिया तो टुर जाइए तो ये आबाद रवे, दीन का नज़ारा इत्थे हुंदा रवे, सच्चे दीन दी सचियां गल्लां। अल्लाह सुने अपने हबीब दे जोड़े दे सदके नाल ये मौका अता फरमाया। अल्लाह वेखो नबी आए दुनिया ते ये जाना तो सारे हुंदा है लेकिन वो सानू फिर तकलीफ हुंदी है, मुहब्बत पै जाती है, खिच पै जाती है, वो जो वो खिचा टुटदियां ने फिर दिल च काफ़ी तकलीफ होंदी है। यानी कि मैं वो अपनी मुहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, वो अल्फाज नहीं मेरे को कि मैं आप वास्ते कोई बोला उवें दे जिवें दे मैनू आउंदे रहे, मैं उवें दे अपने ख्याल का इजहार कर रहा, वगरना आप वास्ते तो कोई अल्फाज जिन्हें भी आला बोले जान उही घटने। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, जेड़े अल्लाह की रजा ते राजी रहन। कदी भी आप दे खादम फरमाते हैं भी आप नू बाजू आ हुण आप थले डिगे सन, खादम सी उहदे कोलों संभालिया ना गया, आप डिग पए ते आप दे बाजू की हड्डी टुट गई। हुण ज़ाहर है हड्डी टुटी है, फरमाया जिंदे कोल बनवाण गए उहने खिची बां इंज इंज इंज, आपने एक दफा भी सी नहीं किया। एक होता ना लफ्ज सी, हजूर तुहानू इन्नी तकलीफ है जिहड़े असी जाना, हजूर तकलीफ की हाल है, आपने इंज इशारा किया भी उहदे ते राजी हाँ कि रब की रजा ते मैं राजी हाँ। हस्पताल लै गए आपनू तो जिसले उत्थे वेखियां ना आ बुढ़िया आउंदियां जांदियां ते आप ना जदों आए ना वापस हस्पताल भी कदी आप खुशी नाल नहीं गए, आप दे बेटे जल्दी सख्ती आपनों हजूर मेहरबानी करो इजाजत दे दो तुहानू तो तकलीफ इन्नी है लै चलीए। आप फरमाया भाई अपनी मर्जी फिर कर लो मैं राजी नहीं। जदों आप लै गए आपने फरमाया जो इत्थे हाल हुंदा ना इहदे नालों बीमारी चंगी है, यानी कि आप दा फरमान सी भी इहदे नालों मैं बीमार चंगा वा, मैनू इत्थे ना लियाओ।
यानी कि मैनू बीमारी वारे चे तकलीफ जड़ी है वह वारे चे आ बुढ़िया ते आ वारा लोग जड़े ने ये वेखने मैनू वारे च नहीं है यानी आप दे कहन दा मकसद ये सी लेकिन वह फिर अलहमदुल्ला दुनिया ते आप दा जितनी आप दी जिंदगी उम्र शरीफ सी आप सोहने तरीके नाल नभा के गए ने अपने दोस्तों नूं पैगाम यही अर्ज करांगा कि आप दे दसे हुए तरीके दे मुताबक असा जिंदगी गुजारांगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दे रूह खुश हो गई आप वो सन मैं कल सोचा पाया मियाँ साहब शेर अरबानी सरकार दे आस्थान मुबारक तो मैं गुजरिया तो मैनू ना बड़ा रोन आया मैं क्या मियाँ साहब अगे तो जेड़ा बंदा तुहाडे कोल जांदा सी वी हजूर मैनू दसो मैं किहदा मुरीद होवां ते तुसीं बाहों फड़ के आंदे हजे भी आ मुहम्मद शफी का मुरीद हो जा ते हजूर हुण ते वो चले गए ने दुनिया तो ते तुसीं हुण किहनूं आखोगे मेरे दिल च एवें ना ख्याल आ रहा फिर मैं आखे भी रब सोना अपने को दीन का बंदोबस्त आप ही करेगा जब वह रब खुद हो जाता है कि किसका इंतखाब अल्लाह सोना जल्ला शान हो आप दुनिया ते अलहमदुल्ला हमेशा याद रखना जिन्नी देर तक इंसान का कोई रहबर ना हो उन्ना चिर कोई को दीन का काम नहीं हो सकता अपने उत्ते किसी रहबर समझे उनकी रहनुमाई लेंदा रहेगा उनके ईमान की हिफाजत होंगी रहेगी जे रहनुमाई दीन की दी जिमें असा दुनिया के काम कर लग्या हजारों बंदे को रहनुमाई लेने मशवरे लेने दर्जी वो मशवरे वख लेंदा फैक्ट्री आला चौलों आला सैलर आला आंडे खरीद आला कि यार मैं कम करूँ मैं कोई नुकसान तो नहीं होगा लेने नहीं मशवरे ए मैं मुंजी लाइए खाद पाव यार पाव कि ना पाव एवं नाल तेन पुछ लेगा हालांकि पता उन्हें मैं खाद यार पा दे हूँ टाइम हो गया पा दे यार एक दूसरे को एवं मशवरे कभी दीने च भी मशवरा लिया दोस्तों दीन विच भी आप मशवरा करके भी यार है काम कर लगा यार करिए कि ना करिए यार इस काम नाल मेरा नुकसान होना है कि नहीं मैं दुनिया के दीन के खिलाफ काम कर लगा वा मेरा नुकसान होएगा कि नहीं होएगा यार मैं मशवरा दे पर साड़ी कोशिश ये होती है कि मैं दीन की दी चोरी करा तो नाल दे नूं पता नहीं लगन दिया ता फिर असं मशवरा की करना होंगे असा तो आने नाल दे नूं पता नहीं लगे मैं डोल दी काम कर दिया उवें दा मसलन एक बंदा कला बह के फिल्म वेख रहा अंदर मोबाइल उन्हें तो कोशिश होनी मेरे को बंदा ही ना हो या तो मशवरा करे है किसी ना भी यह काम ठीक है ठीक के मैनू तो अगले ने आखना भी शाबाशी को पुछन वाला काम आने आखना हूँ कल्या बैंक के अंदर है काम कर लव हमेशा तेरा दुनिया ते नुकसान नहीं होना यह दुनिया सारी उजड़ जाई गुवारा करी हर शायद तेरी लुटी जाए खुश जाई कार बार मकान तेनू कैंप लाना पै जाए उत्थे बह जाई अपने ईमान का नुकसान ना कर ईमान सब तो अफजल ही ये दुनिया अफजल नहीं ये जान सारा खत्म हो जाने ये फानी जान ते उत्ते एवें दा काम करके जा जिंदे नाल इस जान तू जावे ते लोग हुण हज़रत साहब किबला ने ते आख्या ते नहीं कि मेरी तारीफ करो करै जे नहीं हर बंदे दा दिल करदा है उत्थे यार ना वाकई है फकीर ने किवें जिंदगी गुजारी सादा जिंदगी ओही कपड़े जो अज तो 40 साल पहले सन अज भी ओही लिबास आपदा ओही कपड़े ओही धोती मुबारक ओही कुर्ता ओवें सादा ओवें तबीयत ना आपदी जिंदगी पहले बदली ना ओवें दी अज तो 40 साल पहले भी आप ओवें सन 40 साल बाद भी ओवें सन चिश्ती साहब किबला नू मेरे हजरत साहब मुरशद करीम चिश्ती साहब हजरत साहब मेरे मुरशद दे सके पनेवे ने सके पनेवे ने अज दा जुमा चिश्ती साहब तो छोटे भाई होर नू दावत दित्ती सी फिर ऐसे वजह तो फिर आप नू नहीं बुलाया भी इंतजाम वगैरह फिर कल सारा दिन उधर गुजर गया इंशाल्लाह चंद जुमे तो बाद आप नू तकलीफ देंगे बरकत वास्ते एक दिन चलो सानू कुछ सुना जाएंगे ते चिश्ती साहब छोटे जे सन चिश्ती साहब के वालदे ग्रामी ते चाचे बाबे जो हजरत साहब किबला दे मुरशद करीम ने फैज दिता है ना है दीन इस्लाम वाला
तै रिवाज दिता है टी वी वोट स्कूल दे आप खिलाफ बोले ने वोट भी गलत ने अदब गैरत कुफर दी मुखालफत इत्थे आपने तकरीरां कीतियां ने आप दे बैनोई जिहड़े चिश्ती साहब दे वालिद साहब सन उन्होंने चिश्ती साहब दे अम्मा जी नूं घरों कट दिता इस दीन दी वजह तों क्यों हजरत साहब किबला हुण सके मामू सन चिश्ती साहब दे छोटे साधुला साहब वाले एडे को सन जेडे उस्ताद साहब इस दीन दी वजह तों यह जिहड़ी फिक्र असीं बोल रहे हैं ना जिहड़ी यानी कि चिश्ती थां थां ते बयान करदे ने इस इन्हां गल्लां दी वजह तों चिश्ती साहब दे वालिद ने आप नूं घरों कढ दित्ता अम्मा जी फिर छोटिया छोटिया नूं हजरत साहब ने पालिया है वड्डे हजरत साहब सिर ते आप फरमांदे ने अलीपुर मैं मिस्त्रियां मगर मजदूरी करके सिर ते तांबिया रखदा सां मिस्त्रियां मगर दिहाड़ी करनी अठ आने मजदूरी लैके आनी साधुला साहब फरमांदे सन असीं थोड़े जे उच्चे होए चिश्ती साहब असीं अंबां दे बागां च जाणा सुक्के पत्तर लियाउणे उत्थों ओ लिया के ओ पट्ठी थले रख के अग बालनी ते रोटियां साडियां पकनियां रात नूं कार हजरत साहब दे अपने बच्चे भी ते चिश्ती साहब भी आप दे पणेवे भी हमशीरा दे पुत्र धीआं भी ते अपने बच्चे भी कल्ले हजरत साहब ने पाले ने ते आप दे फिर इत्थे वालदे घरां फिर आप ओ जमीना जमूना सारा कुछ छड्ड के हर शहर इत्थे आ गए लाहौर इत्थे किराए ते आप रहे ने चिश्ती साहब नूं दीन पढ़ाया दीन पढ़ा के ते हजरत साहब ने फिर फरमाया चल पुत्र हुण असां तैनूं पढ़ाए ते हुण तबलीग कर ए फजल अहमद चिश्ती साहब जो कुछ बने ने ना मतलब समझो कि इन्हां दा कोई कमाल नहीं हैगा चिश्ती साहब दा अपना ए सारा मेरे मुर्शिद करीम दा कमाल सी चिश्ती साहब दरस पढ़ के आए ना ते कारोबार हुंदा कोई नहीं सी आपने चाह वाला खोखा पा लिया चिश्ती साहब ने हाँ जी चाह वाला खोखा पाया बिस्कुट नाल रस रख लिया केक जिहड़े हुंदे ने ना रखे जिहड़े बंदे अपने केक देने ना चाह बना के देनी हजरत साहब एक दिन आए ते आपने केकां दा डब्बा फड़िया ते फड़ के जिहड़ा बंदा लंघे उहनूं दे देना वंड देना सारा अलब वंड वंड आखण भी मामा जी ने असीं उहनां नूं की आखी आप वंड देण अगले दिन फिर आप वंड दित्ता आप तो इशारा करते सन भी आपां इस वास्ते नहीं आए दुनिया से कोई काम कर चिश्ती साहब फरमाते ने जो मदरसा पढ़ के मैं जाके जुमा पढ़ाया ना मैं जाके मिंबर ते बैठा लत्तां कंबी जाण जुमा ही ना पढ़ाया जाए तकरीर ना हो अगले दिन आपने गए हजरत साहब ते आपने फड़े आप दे पतीले पतूले चिश्ती साहब का जरा होटल सी ना चाह वाला खोखा ये पतीले फड़ के इंज सुठे इंज आपने फरमाया तेनू इस वास्ते पढ़ाया कि तू होटल पा लवे बोलते सही आ असा तेनू दीन इस वास्ते पढ़ाया होटल पा लवे होटल वास्ते पाया मैं चल नबी दी उम्मत नू तबलीग कर जदों आपने चल दा लफज बोलिया भी चल तबलीग कर हजरत चिश्ती साहब फरमांदे ने मेरे विच दलेरी आ गई मैं जाके तकरीर की मैं पता ही को नहीं लगा जबान मेरी सी बोलता कोई और सी फिर आप नहीं पता चलिया कि मैं कितने उड़ रहा हवावां में उड़ रहा तकरीर हूँ साढ़े वर्गा मौलवी सामने एस एच ओ आ जाए तो डर जाता है चिश्ती साहब के सामने मुशर्रफ खलोता है जिन्हें वड़े वड़े मौलवियों ने हथ पा छड़ी सामने फौज वड़े कमांडो आप कहते हैं कि जिम्मे मेरे अंदर कीड़िया कीड़िया दिसदियां सन चिश्ती साहब ने थां थां ते फिर जिहड़ा बयान कीते ना यह हजरत साहब की वजह तो होए ने कई बंदे बेवकूफ चिश्ती साहब नूं मन्नी जांदे नहीं नवाज शरीफ की पार्टी ना रल गए ते हुण आप दी अम्मा सैन जिहड़ियां ने अल्लाह दी वलियां सन
उन्होंने जेठ हाड़ दी धुप नफल मने सुखे भी अल्लाह मेरे पुत्र इधर ढा तो दीन आले पासे ला मैं जेठ हाड़ दी धुप्पे रो इन्हें नफल पढ़ांगी। और 300 के किन्ने नफल मान लिया आपने, वो नफल आपने धुप्पे जेठ हाड़ दी खलो के पहले चिश्ती साहब ने जो होटल पाया सी उन्होंने वास्ते भी मने अम्मा जी उस्ताद आप दसते हैं उन्होंने वास्ते पहले पढ़े फिर निके पुत्र वास्ते। लो अज दीन दी बाहर जा के वेख लो कदीम असी अलीपुर गए छोटे उस्तादा के नाल जिन्हें जुम्मा पढ़ा उन्होंने नाल तो साधुल्ला साहब फरमाते ने जुल्फकार आ वो थाई जिथे मैं दुआने लाई रखे ने मैं इतने दुआने वेचता रहा तो मैं कहा उस्ताद जी आंदे ए बाग जिंदे चू असी पापे चुक के कर ले जाते स असं निके निके सा मोहम्मद रजा साहब आप असा पापे चुकने सुके सुके पापे ला जाने पट्टी थले बालने तो लोह नहीं होंगी रोटियां पकड़िया इंज गुजारे किते ने आपने ते जे दीन नाल आप इंज लगे ने ते कल खलकत इन्नी पता नहीं लगता भी आ दुनिया कितों आ गई इन्नी जनाजे कल आपका जनाजा श्री भद्रत साहब का होया कोई पता ही नहीं लगता भी यह दुनिया आसमाना तू आ गई है कि कितों आई है। उस्तादा ने फरमाया भी ते गए भी फिर वो ही सन दीन आले मन आले हाँ जी दुनियादारा के ना तो लोड़ सी जेड़े भी है सन अलहमदुल्ला दीन नू मन आले है सन अलहमदुल्ला अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल हजरत साहब किबला ने अपना वक्त पूरा किया है साडा बेलियो एवें एक दिन अपने भी वक्त हो जाने ने ते सानू जान दा ए जरूर रहना है जो असी पहले आप नू सामने जाके वेख लेंदे सां हुण साड़ियां अखां तो ओझल हो गए ने दुख ते दर्द हर इंसान दे चला ने दिल रखे है ते अलहमदुल्ला ओ चिश्ती साहब नू जो मकाम मिले है ना जो मरतबा आप चिश्ती साहब दे अंदर आले घर आले मकान पलस्तर नहीं होए अंदरों दरवेश गया तो इन्होंने घर आए उत्थे गए मैंने दस देना उस्ताद जी पलस्तर कर दिया फरमाया यार इधर ध्यान लग जाता फिर बंदा अंदरों पलस्तर किए ना तो ध्यान फिर इधर हो जाता छड़ रह दे इंतजाम चलन यानी कि अल्लाह के फकीर ने दुनिया को तरजीह नहीं दी हमेशा दीन पाक को तरजीह दी उन्होंने लोगों ने साढ़े वर्गे जड़े कमीने ने वो दुनिया भी नार रख लेंदे ने दीन भी रख लेंदे ने वो लोग कामल ने वो दीन आले ने फकत दीन आले अल्लाह जल्ला शान हो हजरत साहब का साया साढ़े सिरां ते तादर कैमो दैम फरमाए आप दे रूहानियत और बुजुर्ग फरमाते ने कि जो अल्लाह का वली दुनिया ते होवे ना जिस तरह वेखो ना वो हाफिज जैद साहब सन उन्होंने मियां शेर रब्बानी सरकार ने पूछा भी हज़ूर मैनू तुसीं दसो मैं किहदा मुरीद हाँ आपने फरमाया आपने बाँह फड़ लिया मियाँ शेर रब्बानी सरकार ने हाफिज मुहम्मद जैद साहब न बाँह फड़ लिया इतने जुमे एक दिन उन्होंने बयान भी किया बाँह फड़ लिया बाँह फड़ के लै गए सीधा हजरत साहब के सामने बहा के आने इस बाबे का मरीद हो जा इंदा राह सीधा ही इतने इतने मरीद हो जा बंदा जो अल्फाज हजरत साहब ने खाब मुरीद कर लिया जेड़े लफज बोले सन वो चंद दिन बाद मैनू उन्हें आंदा अपने पीर को मैं लै चलो मैं वेखना मैं उन्होंने लैके गया मैं उन्होंने आख यार पहले वेखी चकी फिर मुरीद होवी एवें ना धक्के हो जाए पहले मेरा पीर वेखी तेन कोई दावत नहीं दे भज के मुरीद हो तू वेख दो दिन रह अठ दिन रह मेरे मुरीद होवी वो गया जाद्या जाके जल्दी उन्हें कमरे का बूह वेख्या ना वह पैर डिग पाया भी कमरा तो ही जरा रात वेखी बैठे खाब हजरत साहब न जल्द वेख्या तो वह रोई जाए आके हजूर मैंने छेती ना मुरीद करो आपने उवे हथ अगे कि मुरीद कर लिया और मैं यार तू वेख्या सोचे ही नहीं आता मैं सारा कुछ वेख लिया पहले ही मैं क्या मियाँ साहब ने मेरे सब कुछ वहा दिता हजूर मियाँ शेर रब्बानी सरकार रहमतुल्ला अलैह ने फरमाया मैनू इंजी जो लफज हजरत साहब ने मुरीद कर लग्या वेखो तुहानू दुनिया के किन्ने पीर नज़र आउणगे साडे पीर साहब जदों मुरीद करदे ने एक लफज बोले ने कि अल्लाह की फरमाबरदारी करी नबी दी करी ते मेरी मेरी करी नेकी विच बुराई विच मेरी ताबेदारी ना करी हुक्म मानूंगा अल्लाह और उसके रसूल का और हुक्म मानूंगा तेरा जितनी ताकत रख सकूंगा बीच मारूफ के आप फरमांदे ने के नेकी विच ए लफज जेड़ा ना
नेकी विच मेरी इताअत करी, बुराई च मेरी इताअत ना करी। की मतलब है? अगर मैं बुरा काम करा तो मेरे पीछे ना चली। ऐ लफ़ज कोई मुरीद करन लग्या नहीं बोलदा पीर। पूरी दुनिया दे किसे मुरीद नूं पुछिया जे तुहाडे पीर ने मुरीद करन लग्या लफ़ज बोलिया नहीं, साडे मुर्शिद करीम आ दे सन कि मैं बुरा काम करा तो मेरे पिछे ना चली, इहदे विच मेरे पिछे नहीं चलना। एक दिन तक आपने वो जो मुरीद हो एक दिन ना फिर मैं आफ साहब गए उत्थे उस्तादा अदरत साहब को। अदरत साहब फरमाते ने आफत जी तुसा जो मेरे को आंदे हो ना ते मियाँ साहब की बारगाह च हाजरी दे के आया करो। बोलो तो सही ना यार। मियाँ शेरे मुहम्मद सर रहमतुल्ला लै की बारगाह च हाजरी मैं आख्या भी आंदन की आंदन हजरत साहब आंदा मैनू हजरत साहब ने फरमाया भी जो मैनू सलाम करना आना है ना पहले मियाँ साहब को सलाम करके आया कर। मैं क्या समझ ली गल आंदा जी समझ लीए क्यों मैं क्या मियाँ साहब ने जो तेनू मुरीद कराया बोलना खैर हो तेनू मियाँ साहब ने मुरीद कराया तो हजरत साहब मत आखे भी पता नहीं है हजरत साहब तेनू दसना चाहते ने सानू सारा पता है आप चुप करके बैरने भी मियाँ साहब को भी होके आया कर मत उन्होंने छड देवे हाँ उत्थे सलामी दिया कर फिर मेरे को हाजिर होया कर। बिलियो वक्त उन्होंने अपना पूरा किया अल्लाह ताला जल्ला शान आप दे दस अदब गैरत कुफर दी मुखालफत तीन उसूल ते सानू सारे नू अमल दी तौफीक ता फरमाए। मियां साहब रहमतुल्ला अलैह फरमांदे ने हसन खेडन नाल लै गयो ते पा गयो विच फिकरां पाटिली पुरानी वांगो सानू टंग गयो विच किकरा ते लखां बेर बेरी नू लग दे कोई चढ़ जांदे जे कच्चे ओ जेड़े पकण नाल मुहम्मद ओही खांदे वटे जेड़े पकण नाल मुहम्मद ओही खांदे वटे मां प्यो नाल बहारां हुंदियां ते जो चाहिए सो करिए। अगे बेलिया बड़ी दलेरी नाल बोली दा सी पिछे साइयां दा हथ जो हुंदा सी। मैं अपनी गल कर रहा गया एवं बोल छी तो सी की असी बोलिया हुकूमत के खिलाफ की थां थां ते हर थां ते पता से ना साईं पिछे हाथ रखी खलोते हूँ समझ के बोलना पैना। मां प्यो नाल बहारां हुंदियां जो चाहिए सो करिए ओए मरिया नाल नहीं जे मरिया जांदा ते रब दे खौफों डरिए मरिया नाल नहीं जे मरिया जांदा ते रब दे खौफों डरिए ते दर्द होवे ते आए निकल दी औखी पीड़ जुदाइयां ओदों बावा
ਭਜਣ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਪਾਈਆਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਵੇ ਮੁੜ ਥੋੜਾ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮੀਨ ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।